वेलकम वेलकम सोनी किचन में आपका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पर 250 ग्राम चिकन बोनलेस, और यहाँ पर हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। यहाँ पर हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून सोया सॉस। यहाँ पर हमने ले ली है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून रेड चिली। और इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिए हैं 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, जिसको हमने पीस लेना है और चिकन के साथ। अब यहाँ पर हमने चिकन को इस मशीन में करना है सही है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर इस चॉपर में हमने अभी चॉप कर लेना है चिकन और ब्रेड के स्लाइस को, ठीक है। तो गाइस अभी हमने चिकन और ब्रेड को जो है हमने ब्लेंड कर लिया है, यानी चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। ब्रेड क्रम्स को हटा के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं। यहाँ पर हमने ये 2 टेबल स्पून डाल देने हैं, और ये जो है चिल्ली रेड चिल्ली ये भी हमने डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना तो नहीं डालें। यहाँ पर अभी हमने ब्लैक पेपर भी डाल दी है, और यहाँ पर हमने सॉल्ट भी डाल दिया है। यहाँ पर हमने ये जो है सोया सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून है, ये भी हमने डाल लेना है इसके अंदर। तो अब इसको फिर से हमने चॉप कर लेना है। अभी जो है हमने इसको चॉप कर लिया है। अब इसको हमने एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। अब हमने एक अभी पैन लिया है, अभी इसको हमने हीट कर देना है और उसके अंदर ऑयल डालना है। तो अभी हमने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर। यहाँ पर हमने हाथ पे ऑयल लगा लेना है, उसके बाद सारा जो है एक ट्रे में निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने जो नगेट्स का मिक्सचर है हमने सब को ट्रे में फैला दिया है अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने जो मिक्सचर है उसको ट्रे में निकाल लिया है, और इसको हमने अच्छी तरह से ट्रे पे फैला लेना है। उसके बाद नगेट्स के पीसेस कर कर हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने पीसेस कर रहे हैं इसके। तो अभी यहाँ पर हमने अंडा ले लिया है, उसके अंदर नमक, मिर्चें, लाल मिर्चें और पीसी कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल दिए हैं। अब इसको हमने फेंट देना है अच्छी तरह से। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर एक चिकन नगेट उठा लेना है इसलिए मशे, और इसको अभी एक मिक्सचर में डालना है हमें। उसके बाद इसको हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देना है, और उसके बाद इसको हमने प्लेट में रख लेना है एक एक करके। यहाँ पर अभी हमने चिकन नगेट्स को जो है कोट करके उसके बाद हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। और अगर आप चाहें तो उसको 2 महीने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, आप जब चाहें इसको फ्राई करके खा सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने इसका साइड चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं जो नगेट्स का कलर है बिल्कुल बहुत अच्छा है, और इसकी जो स्मेल है बिल्कुल जैसे बाहर से मिलते हैं ना नगेट्स वैसी आ रही है स्मेल। होप सो गाइस आपको मेरी नगेट्स की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।